मलिन नगर क्षेत्र के साढ़ा मलिन बस्ती में स्वच्छता अभियान के तहत पहुंचे जिलाधिकारी बयान सिंह व उनकी पत्नी माधवी सिंह। मलिन बस्ती में माधवी सिंह ने अपनी टीम के साथ की झाड़ू लगाकर सफाई, स्थानीय लोगों को किया जागरूक। बॉर्डर मेंबर में ना पहुंचने से मैडम हुई नाराज, जिलाधिकारी ने भी लगाया झाड़ू और बोले साफ सफाई रखना ही हमारा कर्तव्य है। जिलाधिकारी व उनकी पत्नी को सफाई करते देख स्थानीय लोगों ने भी किया सराहा की तारीफ। जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों को समस्या सुन किया समस्या का समाधान। मैम, आज जो आपके द्वारा सफाई की जा रही है, कहाँ से कहाँ की जा रही है, क्या उद्देश्य है? जी, ये यहाँ पे एक बस्ती है हमारी, पे हम लोग कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य जितना था कि यहाँ पे क्योंकि गंदगी समिति ने पाया की है और महिलाएं बहुत टाइम से चाह रही थी कुछ ऐसा प्रोग्राम हो, क्योंकि दो साल से समिति थोड़ा महंगी पड़ी हुई है, तो हमने सोचा अच्छे से बनाया जाए और जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, स्वच्छ नहीं होंगे तो क्या विकास करेंगे। तो हमारा समिति का एक ही अब नया लोगो है कि पहले स्वस्थ इंडिया, स्वच्छ बुलंदशहर और स्वस्थ हमारा। मैम, कुछ अनियमितता मिली है? कुछ अनियमितता थोड़ी ये है कि यहाँ पे डस्टबिन की कमी है, जो कि हम नगर निगम को बोलेंगे कि यहाँ पे एक सीमेंटेड डस्टबिन बनाए, क्योंकि प्लास्टिक की तो ये लोग उठा ले जाएंगे घरों में या बच्चे खेल के तोड़ देंगे। तो हमने अभी डिसाइड किया कि हम प्रशासन को लिखेंगे या उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पे सीमेंटेड कहीं कहीं पर बनवा दीजिए, थोड़ी बाद पे यहाँ जो समस्या है उसको ठीक करा दें। यही है, बाकी स्वस्थ इंडिया, स्वच्छ इंडिया और 19 तक हम सोच रहे हैं, क्योंकि ये नेशनल मिशन है, तो अगर हम थोड़ा बहुत भी इसमें योगदान दे पा रहे थे हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। और हम अपनी समिति को चाहते हैं कि बुलंदशहर की जो समिति है ये बुलंदशहर और मंडल में ना होके यूपी की सबसे बेस्ट समिति बने और लोग जाने कि हाँ कोई समिति है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।